हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में, और मैं हूं रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मित्रो ऐप के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप मित्रो ऐप का यूज़ कर सकते हैं और इस ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत चीन विवाद अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, और ऐसे में चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भी तेज़ी से हो रहा है, और जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स हैं इनको भी यूज़र्स अनइंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे में मोस्टली टिकटॉक यूज़र्स ने भी टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया है, और अब वो इसका अल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं अपनी शॉर्ट वीडियोस पब्लिश करने के लिए। सो अगर आप भी टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर चुके हैं तो मित्रो ऐप आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको टिकटॉक जैसा ही इंटरफेस मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप मित्रो का यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मित्रो ऐप को इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप अदर क्रिएटर्स की वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन इन वीडियोस पर आप लाइक कमेंट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर साइनअप करना है, और साइनअप करने के लिए आपको यहाँ पर साउंड के इस आइकन पर क्लिक करना है। अब पॉपअप में आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, तो उनको आपको अलाउ करते जाना है। सभी परमिशंस अलाउ करने के बाद अब आपको बॉटम राइट साइड में इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपसे गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका गूगल अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करते ही कुछ ही देर में आपका साइनअप कम्प्लीट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, तो यहाँ पर हार्ट के इस आइकन पर क्लिक करके आप किसी भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं इस तरह से। साथ ही शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस वीडियो का URL कॉपी भी कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी अकाउंट को फॉलो करने के लिए प्लस के इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, और अगर आपको किसी का प्रोफाइल देखना है तो यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप उस यूज़र के फॉलोइंग, फॉलोवर और लाइक्स को चेक कर सकते हैं, और अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी वीडियो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आपको साउंड के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, तो आपको इन्हें अलाउ करना है। अब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप वीडियो शूट कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों ऐड साउंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत से अलग अलग साउंड की एक लिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ से आप कोई भी साउंड इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको साउंड सेलेक्ट करने के बाद बैक आना है, और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस सर्कल को आपको तब तक दबाए रखना है जब तक आप कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर लेते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट होते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको राइट के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने अलग अलग फिल्टर्स आ जाएंगे। तो इन फिल्टर्स को आप अपने वीडियो पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इस तरह से आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब आप अपनी वीडियो पर कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और फाइनली वीडियो को पब्लिश करने के लिए पोस्ट वीडियो के इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप मित्रो ऐप पर अपनी वीडियो क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हैं, और बॉटम राइट साइड में आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके उसका स्टेटस भी देख सकते हैं, और साथ ही आप अपने फॉलोअर्स, फॉलोइंग और लाइक्स को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहां पर गैलरी के इस आइकन पर क्लिक करके आप अपनी मोबाइल गैलरी से भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। मित्रो ऐप पर दोस्तों आपको रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने अलग अलग रीजन्स आ जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप कोई भी रीजन सेलेक्ट करके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप मित्रो ऐप को इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।